मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में संपन्न हुआ। तहसील दिवस में शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए फरियादियों की फरियाद को सुना गया तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि समाधान दिवस में पुलिस और भूमि विवाद के मामले सामने आए हैं। एसडीएम सदर ने बताया कि कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, शेष मामलों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, पटवारी का ही उनका मिला ये भी इसी को कहते हैं बंटवारे का विभाग। आप चिंता मत करिए, मेरे पास कटे चल के स्वयं जा छोड़िए और स्वयं नहीं बस निकलेगा। पिछली बार गया था इसका सूत्रा उसमें अच्छा आज तहसील दिवस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुश्ती हॉल में किया गया। ज़मीन संबंधित काफ़ी विवाद थे जो आए। सीओ गोरखनाथ की उपस्थिति में कई सारे विवाद मौके पर भी निस्तारित किए गए और अधिकतर मामलों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग 145, 133 के भी मामले थे, उसको संबंधित थाने को हमने बता दिया है, संबंधित लेखपाल को, राजस्व निरीक्षक को बता दिया है। कुछ पैमाइश से संबंधित थे, कुछ बंटवारे संबंधित थे, उनको हम धारा 24 और धारा 116 के तहत विधिक अनुतोष को प्राप्त कर सकते हैं। और भी कुछ नगर निगम से भी काफ़ी समस्याएं आई लोगों की, खासतौर पे गंदगी और नाले उसको स्वच्छता को लेके और कूड़े को लेके, तो संबंधित नगर निगम के अधिकारी जो यहाँ पे थे उनको बता दिया गया है, उनके द्वारा भी मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करके समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं।